नर्म देहर, हम लोग दक्षिण तट परिक्रमा मार्ग में चलते हुए धनवाड़ा ग्राम आ गए हैं, जिला हरदा। यहाँ पर एक अद्भुत नज़ारा हम लोगों को देखने मिला। इस गांव के बाहर ये यात्री प्रतीक्षालय में परिक्रमा वासियों की सेवा की व्यवस्था गांव वालों ने की हुई है। अंदर देखते हैं थोड़ा। ये प्रतीक्षालय के अंदर गैस रखी हुई है, भोजन सामग्री। ये दादा, दादा आपका नाम क्या है? मैं संतोष भाई। ये संतोष भाई यहाँ पका हुआ खाना बनाकर परिक्रमावासियों को देते हैं। यहाँ ये गद्दे रखे हुए हैं, परिक्रमावासी यहाँ विश्राम भी कर सकते हैं। पास के गांव के ही एक सर यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार मालवी। मालवी जी, इस जगह के बारे में बताइए, कुछ कब से यहाँ ये सेवाएं हो रही हैं? यहाँ सर दो वर्ष हो गए हैं। लगभग 2 वर्ष से माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों की व्यवस्था, भोजन पानी चाय नाश्ता सारी व्यवस्था रुकने की है यहाँ जी। ये इस जगह का पूरा पता क्या है? इस जगह का पूरा पता तो ग्राम धनवाड़ा है, ये जी। ग्राम पंचायत भी धनवाड़ा ही है जी। तहसील खिरकिया है, जिला हरदा है। अच्छा जी, यहाँ पूरे गांव वालों के सहयोग से पूरा गांव ग्राम वासियों के सहयोग से ये कार्य किया जा रहा है जी। आसपास और कौन सी जगह है यहाँ को, यदि यहाँ का कोई कुछ कथा हो कोई ऐसी विषय? नहीं, यहाँ तो अब आसपास कुछ नहीं है। यहाँ तो पास में कुटी है बाबा के आश्रम मोहन गाँव में, वहाँ भी संत पहले रहते थे। अच्छा जी, यहाँ आगे ये अपना खंडवा जिला लगता है? नहीं, आगे खिड़किया से के आगे पोखरनी है, पोखरनी से आगे खंडवा जिला लग जाएगा। अच्छा जी, दक्षिण तट नर्मदा परिक्रमा मार्ग, जिला हरदा, नर्मदे हरदा।